फेस में वो चमत्कार है, एक फीलिंग है, अच्छा फीलिंग है। अब 100% इसमें कुछ पावर है, थोड़ा इसमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो हम हमारा रिलीजन को प्रोटेक्ट करना चाहिए और दूसरा रिलीजन के बारे में हम कमेंट नहीं करना चाहिए। आई थिंक इट इज़ हाई टाइम एक रिलीजन का एक बिल को पास करना है, रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिलीजन का बिल। केवल हिंदू नहीं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी रिलीजन है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसको मिसयूज़ कर रहे हैं कुछ लोग, कमेंट कर रहे हैं, और जो यूथ होता है उन लोगों का माइंड को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। सर, फर्स्ट टाइम जब मैं आया था उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए थे, तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस था और अंदर आने के लिए भी थोड़ा और दो ही रास्ते थे, तो वहाँ से लेके गया। उस वक्त जब मैं आया था मैं टेम्पल को पूरा एंगल में नहीं देखा, मैं तो टेम्पल के बाहर देखा, लेकिन टेम्पल को एक ही एंगल में देखा और टाइम भी नहीं था। लेकिन जब वहाँ जब मैं देखा भी, मैंने वो जो आर्किटेक्चर का जो डिज़ाइन है और उसका वर्कमैनशिप है और अंदर सीलिंग के ऊपर की जो है वो बहुत पसंद आया। तो नेक्स्ट डे मैंने फिर वापस चल गया। अभी मैं जब आया तो देखा है तो आर्किटेक्चर का इन्वॉल्वमेंट उतना अच्छा है, छोटे छोटे वो अभी आप क्लोजअप में अगर वो पिलर के ऊपर जो स्कल्पटिंग किया है उसको अभी देखा ना, उसमें उतना एक्सप्रेशन भी है, खाली एक फिगर नहीं है, फिगर में एक्सप्रेशन है, उसमें एक मीनिंग है, उसमें एक कहानी है, और उसका वर्कमैनशिप बहुत मुश्किल है, मुझे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट। और फिर ओके पिलर का है ऊपर भी ऐसा किया है, वो बहुत ज़बरदस्त है, ऊपर भी सीलिंग के ऊपर भी किया है, एंड बाहर अभी जो उतना एरिया है तो एरिया में उनका प्लानिंग है कि एक्सटेंशन है उसका, जो जितना भी पब्लिक आएंगे तो उसको कैसे मेंटेन करना। और सबसे बढ़िया ये बात है कि बहुत क्लीन है, गलीज नहीं है, मेंटेन कर रहे हैं वो, वैसे ही मेंटेन करना पड़ेगा। हम भी पब्लिक भी जाके उधर गलीज नहीं कर रहे, वो मेंटेन कर रहे हैं तो हम भी मेंटेन कर रहे हैं। और टोटली वो जो अंदर जाते हैं, बाहर का जब है वो अलग एटमॉस्फेयर होता है, अंदर जब हम जाते हैं उसमें एक अच्छा पॉजिटिव फीलिंग है, एक अच्छा फील है। जब ऊपर देखते हैं वो मंदिर का टॉप देखते हैं उसमें अच्छा फील होता है। अंदर जाने के बाद जब हम मूर्ति को देखते हैं, वो मूर्ति का रूप को देखते हैं, उसका जो अलंकार होता है वो बहुत मिसमराइजिंग है। आज मैं सुबह गया तो उसमें ये तो फ्लावर डेकोरेशन नहीं था, उसके बाद में गया फ्लावर डेकोरेशन था, उतना फ़र्क है। और फेस में वो चमत्कार है, एक फीलिंग है, अच्छा फीलिंग है। अब 100% इसमें कुछ पावर है, थोड़ा इसमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। एंड जो राम का भक्त है उनके बारे में तो मैं नहीं बोल रहा था, उनका मालूम है कि क्या है। एंड ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, ये इतना बड़ा टेम्पल, इसका वर्कमैन क्राफ्टमैनशिप जो है ना, वो सब लोगों को मेरा नमस्कार। सनातन को लेकर के लगातार लोग टिप्पणी करते रहते हैं, कैसे देखते हैं सर? ये है सर, ये फोर्स करके ये करना मुझे पसंद नहीं है सर। ये जो रिलीजन के बारे में होता है तो हम हमारा रिलीजन को प्रोटेक्ट करना चाहिए और दूसरा रिलीजन के बारे में हम कमेंट नहीं करना चाहिए। जो कमेंट करते हैं अभी बहुत हो रहा है सर, इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि आई थिंक इट इज़ हाई टाइम एक रिलीजन का एक बिल को पास करना है, रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिलीजन का बिल। मतलब केवल हिंदू नहीं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी रिलीजन है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसको मिसयूज़ कर रहे हैं कुछ लोग, कमेंट कर रहे हैं, और जो यूथ होता है उन लोगों का माइंड को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं क्या होता है एक बिल पास करते हैं तो अच्छा रहेगा। मतलब बिल पास करना जरूरी है नहीं, ये तो मैं बिल खाली हिंदुओं को लेने ना, हाँ सभी रिलीजियस बिल सब रिलीजन को, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख पारसी जैन बुद्धिस्ट सब वो एप्लीकेबल होगा।